नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्टिव पैसिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिव पैसिव होते क्या हैं? एक्टिव पैसिव, एक्टिव वॉइस में एक सब्जेक्ट वर्ब पे काम कर रहा होता है, खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता बल्कि एक्शन रिसीव कर रहा होता है। ठीक है, इस बार हम तीनों कैटेगरीज हम एक साथ करेंगे। इसकी बेसिक वजह ये है कि कुछ स्टूडेंट्स इनको अलग अलग जब कैटेगरीज में करवाया जाता है तो वो बहुत अच्छे से पिक करते हैं, बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन जब वो ही तीनों कैटेगरीज़ को कम्बाइन कर दिया जाता है तो वो थोड़ी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो आज उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ऐसी ही एक्सरसाइज हम आज देखेंगे कि कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जब इकट्ठे आ जाते हैं तो उनको कैसे हम लोगों ने पैसिव में कन्वर्ट करना है। तीनों स्ट्रक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इसके रूल्स पहले आपको बताए जा चुके हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होनी है। कोई भी कैटेगरी हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हमारे पास पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास थर्ड ही रहती है। हेल्पिंग वर्ब हर एक में चेंज हो जाता है उसके अकॉर्डिंग। देखते हैं जी अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ऑब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ और हैव के साथ हमने किस चीज़ का एडिशन करना है? बीन का एडिशन करना है। इसके अलावा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी बाय एंड सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने हैज़ बीन के दरमियान और हैव बीन के दरमियान नॉट का एडिशन कर देना है। ऑब्जेक्ट हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड, होप सो नाउ यू हैव टू नो अबाउट क्वेश्चन वर्ड्स वेरी वेल। हु, विच, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारी वर्डिंग हमारी क्या कहलाती है? क्वेश्चन वर्ड्स। हैज़, हैव, ऑब्जेक्ट, बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एक्सरसाइज देखते हैं। द कैंडिडेट्स हैव सॉल्व द पेपर, द पेपर हैज़ बीन सॉल्व बाय द कैंडिडेट्स। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ जब हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब उसके मुताबिक लगाते हैं। अभी हमारे पास सब्जेक्ट के मुताबिक था हैव, लेकिन अब हमने ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में यूज़ करना है पैसिव वॉइस में तो हमारा हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। ठीक है, द पेपर हैज़ बीन सॉल्व बाय द कैंडिडेट। सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास, हैज़ हिस्सान किल्ड द मैन। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारे पास, हैज़ द मैन बीन किल्ड बाय हिज सन। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट ही में रहेगा। फिर द बॉय हैज़ लर्न द लेसन, द लेसन हैज़ बीन लर्न बाय द बॉय। क्वेश्चन वर्ड यूज़ है अब हमारे पास, व्हाई हैज़ दिस गर्ल ब्रोकन द बॉटल। अब क्वेश्चन वर्ड को हमने स्टार्ट में ही रखना है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, इसकी जगह हम लोग चेंज नहीं करेंगे। व्हाई हैज़ द बॉटल बीन ब्रोकन बाय दिस गर्ल। हु हैज़ स्पॉइल्ड दिस चाइल्ड, बाय होम, हु किस में चेंज होता है? बाय होम में। बाय होम हैज़ दिस चाइल्ड बीन स्पॉइल्ड। वी हैव नो टेकन टी, अब नेगेटिव है हमारे पास, द टी हैज़ नॉट बीन टेकन बाय अस। द प्रिंसिपल हैज़ नॉट क्लोज द स्कूल, द स्कूल हैज़ नॉट बीन क्लोज्ड बाय द प्रिंसिपल। हैज़ द हंटर कॉट द बर्ड, हैज़ द हंटर कॉट द बर्ड्स, हैव द बर्ड्स बीन कॉट बाय द हंटर। यू हैव टॉट मी इंग्लिश, आई हैव बीन टॉट इंग्लिश बाय यू। यू हैव टॉट मी इंग्लिश, I have been taught English by you. They have gained nothing. Nothing has been gained by them. Nothing has been gained by them. ये हमारे पास 10 sentences हम लोगों ने किए। आप लोगों ने अब 10 sentences active passive के अपनी neat notebook पे खुद से कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह मिक्स categories आप लोगों ने use करनी है और 10 sentences आप लोगों ने अपनी neat notebook पे खुद से करने हैं। Okay, thank you.